आपको बताया था कि हमेशा अपने घर पर जहां आप बैठते हैं, दिन रात रहते हैं, विशेष करके जहां रात को आप सोते हैं, वहां कुछ ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित यंत्र या मूर्ति हमारे बेडरूम में कदापि नहीं होनी चाहिए। जहां आप सोते हैं वहां पीछे कहीं खिड़की नहीं होना चाहिए, दरवाजा नहीं होना चाहिए। यदि आपको ये खिड़की आती है, दरवाजा आता है, तो आपको ये षड्यंत्र तैयार करता है, षड्यंत्र बनते हैं। ठोस दीवार होना चाहिए। हमारे जिन मंदिर में, ग्रह चैत्यालय में भी, जिन मंदिर में हमेशा वहां पर जो है ठोस दीवार बनाई जाती है, वहां पर कोई भी एक सुराख छेद वगैरह नहीं रखा जाता है। जिस मंदिर में भगवान के पीछे यदि खिड़की हो, दरवाजा हो, छेद हो, सुराख हो, वहां से सारी एनर्जी निकल जाती है और वो दोषपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसलिए आप जहां सोते हैं ठीक पीछे आपके विंडोज नहीं चलेगी, सिर के ऊपर नहीं चलेगी। आप जहां सोते हैं अपने ऊपर विंडो नहीं चलेगी, खिड़की नहीं चलेगी, और आप जहां बैठते हैं एकदम पीछे नहीं चलेगी। जहां बैठते हैं वहां सिर के ऊपर बिंब भी नहीं आना चाहिए। बिंब आड़ा बिंब हो अथवा कोई बॉक्स वगैरह बना हो, हेवी सामान हो, बालकनी वगैरह बनी हो, आपके नीचे नहीं आना चाहिए। ध्यान रखें, विंडोज खिड़की वगैरह ये सब जहां तक हो, खिड़की दरवाजे, ये प्राय करके उत्तर या पूर्व में या दक्षिण में भी चलेंगे और हर कमरे में प्रकाश जरूर आना चाहिए, सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए और हवा आनी चाहिए। हालांकि आजकल सरकार इस प्रकार के प्लान को पास करती है कि जहां आपने मकान के चारों ओर जगह छोड़ी हो और जहां वातानुकूल होना चाहिए, हवा हर कमरे में आना चाहिए और हर कमरे में लाइट सूर्य की किरण पड़नी चाहिए। सनरेज पड़ती प्रातः काल के, यदि सुबह सुबह की सनरेज जिस घर में पड़ती है उस घर में यंत्र बाधा नहीं आती, उस घर में प्रीत बाधा नहीं आती है। जिस घर में सूर्य सनरेज पड़ेगी उस घर में लोगों का उत्साह अच्छा बना रहेगा, आपस का प्रेम अच्छा बना रहेगा, उस घर में रोग संकट कम से कम आते, अनेक लाभ होते। इसलिए और आपको सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए। यदि उगते हुए सूर्य को आप देखते हैं और सामने बैठ करके यदि आप ध्यान लगाते हैं, जिस सनराइज होता है बाल सूर्य को आप देखते हैं और बाल सूर्य को देखते समय आप अग्नि मुद्रा बनाएं, यह अग्नि मुद्रा सूर्य मुद्रा होती है, सूर्य की मुद्रा होती है। विशेष करके जिनको बहुत आलस आता है, बहुत सुस्ती रहती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, काम करने मन नहीं लगता है और निठल्ला बैठा रहता आलस करने वाला व्यक्ति है, या जिसको बदहजमी रहती है, मंदाग्नि हो, डाइजेशन काम नहीं करता है, पचता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यह सूर्य की उंगली होती है, सूर्य मुद्रा कहलाती है। इस तरह की मुद्रा, इसमें अंगूठा, इस अनामिका उंगली, सूर्य की जो उंगली है इस पर लगाने पर यहाँ पर सूर्य मुद्रा बनती है। ये सूर्य मुद्रा लगा करके और साथ में अपने तालु को, जीव को रंध्र पे लगा देना चाहिए। इस तरह किस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में 10 सेकंड में और कराऊंगा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो जीव को तालु पर लगा करके कुछ देर के लिए उगते हुए सूर्य को लगातार देखना चाहिए। लगातार सूर्य को देखने से, उगते सूर्य को देखने से आप जैसे सूर्य उदय हो रहा है वैसे आपका भी जीवन में उदय आपका होता रहेगा, भाग्योदय आपका होता रहेगा। एक सूर्य यदि आपका उदय में है, एक सूर्य यदि आपका स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिक उसके परिवार 9 ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये भाग्योदय का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। जल्दी उठना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी आप उठेंगे, लगभग एक 3:30 से लेकर के 4:30 के बीच में भी आप उठते हैं, इस समय उठने से आप बुढ़ापे तक अपनी स्मरण शक्ति को मेंटेन कर पाएंगे। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, हार्ट कार्डिक की समस्या से बचने के लिए प्रातः काल का उठना बहुत अच्छा माना जाता है। जल्दी उठना और
घूमने जाना, जल्दी उठें तो उठने के साथ, जल्दी उठ करके सबसे पहले ध्यान लगाइए, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ जरूर पढ़िए। जो 9 बार नमोकार मंत्र का नियम से पाठ पढ़ता है, कम से कम एक माला करे तो उसके तो ठाटे ठाटे, जो एक माला करेगा उठ करके माला माला हो जाएगा। कम से कम 9 बार यदि आप करते हैं जाप, ये जाप आपके सारे दिन को मंगलमय कर देगा, आपके पाप को हर देगा और भाग्योदय का, जीवन की उन्नति का, मित्रता का, सर्वसिद्धि का, सर्वकार सिद्धि का सबसे अचूक अमोघ मंत्र है, वह है जय जिनेन्द्र। आप जितने लोग मिले सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो आपसे एक बार मिले, चाहे 100 बार मिले, चाहे 10 बार मिले, चाहे 1000 बार मिले, लेकिन जब भी बात करनी शुरुआत भैया जय जिनेन्द्र, उसके बाद बात की शुरुआत करो। आप जय जिनेन्द्र बोलते हैं, बात की शुरुआत करते हैं, इससे आपकी मित्रता बढ़ेगी, आपका आने वाला विघ्न दूर हो जाएगा, अमंगल दूर होगा, बाधा दूर होगी। एक वाला था, उसका नाम था सुभग, और वह सुभग वाला बड़ा ही गरीब था, बहुत गरीब, कुछ नहीं था उसके पास, दूसरे गैये चराना और अपना जीवन यापन करना ऐसे चल रहा था। एक समय उसने जंगल में देखा कि एक वृक्ष के नीचे दिगंबर मुनिराज बैठे हुए, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं शेड के नीचे, ये भी जंगल ही हमारा, और चारों ओर श्रावक बैठे थे, जैसे यहाँ सब बैठे हुए, सब बैठे हुए, श्रावक है, श्राविका है, बालक है, बालिका है, युवक है, तो सब यहाँ पर है, छोटे बड़े चुन्ने मुन्ने सब हमारे पास, और सबसे ज्यादा चुन्नी मुन्नी हमारी माताजी लोग, दोनों माताजी, दोनों छुली का माताजी, नन्नी मुन्नी है सब, बड़े माताजी तो बड़े माताजी तो बड़ी माता तो बड़ी। सुभग वाला जंगल में गया और हम भी चुन्ने मुन्ने, हम भी बच्चे हैं भगवान के समक्ष, हम बच्चे हैं, और जिस समय आप हमको, जिस समय आप हमको आहार देने आते हैं, आप आकर के हमारी वैवृत्ति करते हैं, तो आहार के समय हम सब आपके चुन्ने मुन्ने हैं और आप हमारे माता पिता, ये हमारा आपका नाता है। जिसने आहार दिया वो हर एक स्त्री मेरे लिए माता है और हर एक पुरुष मेरे लिए पिता है, हम सभी साधु और किसी से कोई नाता नहीं, ये अध्यात्म का नाता है। जब हम आपको देते हैं तो हम आपके लिए धर्म पिता हैं और आप हमारे बच्चे हैं, और जब आप हमको देते हो तो हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हो पालनहार। और जब तक ये नाता चलता रहेगा श्रावक और साधु का, तब तक धर्म का रथ आराम से निर्बाध दौड़ता रहेगा, शासन की ध्वज फहराती रहेगी, पंचम काल के आते तक भरत क्षेत्र में धर्म रहेगा, उसके बाद पुनः काल परिवर्तन होकर के फिर आएगा, तभी जैन धर्म का नाश कदापि कभी नहीं हो सकता। जैन धर्म त्रैकालिक सार्वभौमिक सार्वकालिक धर्म है। ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, ये हुंडा और सरपुणी काल का प्रभाव मात्र 5 भरत 5 ऐरावत के आर्यखंड में ही मात्र है, इतना द्रव्य मिथ्या, इसके अलावा कभी कदापि इस तरह का भेदभाव नहीं होता है। एकमात्र अरहत जिनमत चलता है, अरहत मत होता है। तो सुभग वाला जंगल में गया, वहां देखता है कि अनेक अनेक श्रावक मुनिराज की वाणी सुन रहे हैं, और मुनिराज अपनी वाणी दे रहे, उपदेश दे रहे, जो अच्छा ज्ञानी विद्वान हो गुरुवाणी समझ में आवे, भोला आदमी नया आदमी उसे कहां समझ में आवे, जिसने कभी धर्म सुना नहीं, धर्म का अर्थ नहीं जाने, धर्म का शब्द नहीं जाने, वो क्या जाने, क्या समझे। और उसने देखा कि वो मुनिराज बात करते करते बीच बीच में नमो अरिहंत प्राणम कह रहे, क्या बोल रहे थे, नमो अरिहंत। और जब सब प्रवचन वगैरह हो गया, सारे श्रावक दर्शन करके चले गए, तब तो मुनिराज भी जंगा पर हाथ रखा,
और हाथ रखते ही उन्होंने कहा नमो अरिहंताण, जंगा पे घुटने पे हाथ रखा और नमो अरिहंताण कहा। इतने कहते के साथ में वे आकाश मार्ग से चले गए। सुबह ग्वाले ने देखा, अरे इतनी बड़ी ताकत है इसमें, नमो अरिहंताण, बस उसने की पकड़ लिया, नमो अरिहंताण नमो अरिहंताण नमो अरिहंताण नमो अरिहंताण। घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा आ गए, नमो अरिहंताण, सब गई आ गई, नमो अरिहंताण। चलो खाना लगा देती हूं, नमो अरिहंताण। अरे आज क्या हो गया है, नमो अरिहंताण। पागल हो गए क्या, नमो अरिहंताण। दूसरा कुछ बोलते क्यों नहीं, नमो अरिहंताण। पत्नी गुस्सा आ गए, कोई कोई औरतें रहती हैं, कितने ही समझाओ चाहे कितने ही पढ़ ले, वे कुत्ते की पूछ की तरह रहती है। राम जी का एक कुत्ता था, रामचंद्र जी का एक कुत्ता था, उन्होंने देखा कुत्ता बहुत अच्छा था, बिल्कुल सीधा सरल, पर उसकी पूछ टेढ़ी थी, तो उनको वो टेढ़ी पूछ अच्छी नहीं लगती थी रामचंद्र जी को, उन्होंने उसको सीधा कर दिया, ये पूछ ऐसी टेढ़ी थी, उन्होंने सीधी कर दी और वापस चली गई, उन्होंने फिर सीधी करी और फिर टेढ़ी हो गई। तो रामचंद्र जी ने जो कुत्ते की पूछ थी उसको पाइप में लगा दी, पाइप लगा दी, क्या सीधी हो जाए, और 12 साल तक कुत्ते की पूछ को पोंगली में रखा पाइप में, और 12 वर्ष बाद जब वापस निकाला तो पूछ वैसी की वैसी। इसलिए कहावत बन गई कि 12 वर्ष पोंगली में रखी फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसे ही कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कितने ही समझाओ वो टेढ़े के टेढ़े। मैं भी उसमें हूं, आप भी उसमें हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, हमारा स्वभाव जाता नहीं। वह सुबक वाला नमो अरिहंताणम बोल रहा था, बात कर रहा था, नमो अरिहंताणम बोल रहा था, और उस स्त्री को गुस्सा आ गया, तो गुस्से में उसने जहाँ खाना बना रही थी वहां पर चूल्हा जल रहा था, जलता हुआ लकड़ी था, उसने लकड़ी उठाई और दे मारी, नमो अरिहंताण। और नमो अरिहंताणम करते ही जो अंगारे स्वर्ग वाले को लगे वो सारे के सारे अंगारे टूटे बिखरे, और देखते हैं तो पूरा घर रत्नों की चमक से भर गया, रत्न ही रत्न हो गए। नमो अरिहंताणम। और वही सुबग वाला इसको ये रत्न चाहिए ऐसे मारना अपने आप को, हमारे माता जी कह रही हैं, इसलिए अपने घर में अपने घर वाले को स्वर्ग वाला बनाना, हमारे गाय है चराने, पहले गाय चराने भेजना, नहीं मिले तो हमारे पास बहुत सारी गाय हैं, उनको भेज दो, हम चराने के लिए भेज देंगे, 40 गाय हैं, एक गाय को ले जाना भी 1000 गाय के बराबर है हमारे यहाँ पर, 40 तो बहुत बड़ी बात है। फिर घर पे चूल्हा जला कर रखना, और मैं यहाँ पर जंगल में हूँ, मैं आकाश में तो नहीं उड़ूंगा पर नमो अरिहंताणम जरूर बोलूंगा, नमो अरिहंताणम बोलूंगा और खड़ा हो जाऊंगा, चल पड़ूंगा, फिर तुम्हारे घर वाले को बोलना चूल्हा लगा लेना, चूल्हा लगाओ, लकड़ी लगाओ और बोलो कि भाई चल नमो अरिहंताणम बोलता रहे, और देना मिला करके सारे अंगारे रत्न बन जाएंगे आपके। चौथा काल तो बन गए, जब भी ध्यान रखो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो,
जब भी नैन खोलो जय जिनेन्द्र बोलो सा भाई, जय जिनेन्द्र बोलो। जब भी आप बात की शुरुआत करते हैं तो जय जिनेन्द्र से कीजिए, इससे करना जय जिनेन्द्र। हाँ, सुबह से लेके शाम जिससे बात नहीं हो रही है, भैया जय जिनेन्द्र, आपकी बात शुरू हो जाएगी। जिसको नहीं जानते भाई साहब, जय जिनेन्द्र, बात शुरू हो जाएगी। वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, आपके विघ्न दूर होंगे, घर में शांति मैत्री आनंद सब कुछ आ जाएगा। तो धर्म, ज्योतिष और वास्तु, मैं तीनों को लेकर के आपको भाग्योदय का सूत्र बता रहा हूँ। भाग्योदय के लिए हमें इस तरह करना चाहिए और सूर्यदय को देखना चाहिए। उगते सूर्य को जाकर इस देश को उठिए, जल्दी उठ करके जाकर के सनराइज जो हो रहा हो उससे पहले जाकर के बैठ जाइए। मेरा दावा है कि यदि आप बाल सूर्य को एक 5-10 मिनट जाकर के देखते हैं, आपने लगातार साल भर देखा और फिर उसके बाद में आप कहना, आपके देह में, आपके मन में, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, उदय उदय आपका होता जाएगा। ये भावना करिए कि जैसे ये सूर्य उदय हो रहा है ऐसे मेरे भी पुण्य का उदय हो रहा है, मेरा भाग्य उदय हो रहा है, मेरे ज्ञान का उदय हो रहा है, मेरी आत्मा का उदय हो रहा है, मेरे मोह का अंधकार नष्ट हो रहा है। इस तरह की आध्यात्मिक साधना विशेष रूप से की जाती है, वो मैं 10 लक्षण में कराऊंगा। 10 सितंबर से होने वाला शिविर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने, कई लोगों ने शिविर मेरे साथ किया, कई लोगों ने नहीं किया, अभी नहीं जानते, एक दूसरे को और मैसेज करें और लाभ लेवें, पुण्य संचय करें। अभी इसमें अपना हुआ है, आज इतना ही अपन रहने देंगे। हमने चित्रों को समझा और सनराइज से अपने भाग्योदय के विषय को हमने समझा और भी काफी कुछ चीजें हैं। सुबह शाम घर पर अवश्य में दीप से आरती जरूर करें, घर में धूप जरूर लगावें। धूप लगाने से, कपूर लगाने से, दीप लगाने से, और पहले दीप से अपने घर में मंगल कलश हो, यदि हमारे घर में ग्रह चैत्यालय हो, जिन भगवान की मूर्ति हो, या प्रतिष्ठित हमारे पास में यंत्र हो, यंत्र हो, नमोकार का यंत्र हो, विनायक यंत्र हो, गणधर वाले यंत्र हो, तो उन यंत्र की मंत्र के साथ में आप आरती करो। अभी तो आपके जूम, ये कोरोना काल में जूम चल रहा है, तो जूम रोज शाम को आरती हो रही है, रोज भगवान का विशेष अंतर आप देख रहे हैं। आपका इतना बड़ा भाग्य भी है कि आपका घर ही मंदिर बन गया है कि नहीं। अपना मन का मंदिर खोलो, मन का द्वार खोलो और रोज डिवाइस लगाओ शिविर के लिए। शिविर का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, पहले सवेरे 5:30 से लेकर के 6 में रहेगा हमारा ध्यान। सुबह उठना पड़ेगा जल्दी आपको, 5:30 से 6 ध्यान, और उसके पश्चात 6:30 से लेकर के अभिषेक, शांतारा, 10 लक्षण पूजा, और लगभग 9 बजे के आसपास वही अपना प्रवचन, 10 धर्म का प्रवचन, 9:30 बजे आपकी छुट्टी। उसके पश्चात शाम को पुनः 7 बजे और बीच में आहारचर्या रहेगी। यदि कोरोना नहीं हुआ, लॉकडाउन नहीं हुआ, तो आप यहाँ आकर के भी शिविर में भाग ले सकते हैं और अपना स्वयं का चौका भी लगा सकते हैं, आपके लिए खुला आमंत्रण है। लेकिन कोरोना नहीं होना चाहिए, व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यदि कोरोना बढ़ेगा तो फिर जितने उसमें काम किया जाएगा। तो ये जो विषय है भाग्योदय का, इसमें कैसे भाग्योदय हो, डे बाई डे अपना चलेगा। आज अपन ने दीप प्रज्वलन को समझा, सुबह शाम आप जुड़िए और लाभ लीजिए। वो रास्ता निकले कैसे अपना निकलेगा, किस तरह से समझेगा आपको, कैसे सुबह निकलना है, कैसे शाम को निकलना है, वो अपने टाइम को आप मैनेज करके, एडजस्ट करके आप चलेंगे। अभी अपन ने इतना समझा, आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय, देव की जय। साथ में